मौजूदा मुसीबत के कारण अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, कारोबार जगत परेशान दिख रहा है। साइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। नतीजतन एटलस ने गाजियाबाद फैक्ट्री को बंद कर दिया है। एटलस कंपनी बंद होने के बाद अब विपक्ष एक बार फिर मोदी सरकार की रणनीति को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। विश्व साइकिल दिवस के दिन साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री पर ताला लगा तो हजारों कर्मचारी एक ही पल में बेरोजगार हो गए। कंपनी ने आर्थिक हालात का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए हैं और इसमें काम करने वाले लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे उनका परिवार कैसे चलेगा। इस मसले को लेकर अब विपक्ष के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। विपक्ष सरकार से आगे की रणनीति को लेकर सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, कल विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री बंद हो गई। 1000 से ज्यादा लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। सरकार के प्रचार में तो सुन लिया कि इतने का पैकेज, इतने MOU, इतने रोजगार, लेकिन असल में तो रोजगार खत्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार को अपनी नीतियां और योजना स्पष्ट करनी पड़ेगी। दरअसल एटलस कंपनी ने कर्मचारियों से कहा है कि अब कंपनी कच्चा माल खरीदने की हालत में नहीं है, इसीलिए कंपनी ने ले ऑफ का फैसला किया है, जिसके चलते कंपनी अपने कर्मचारियों को आधी तनख्वाह देगी, लेकिन कर्मचारी कंपनी से पूरा हिसाब एक बार में करने की मांग कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले भी एटलस कंपनी के 2 प्लांट बंद हो चुके हैं। अब देश में बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखना होगा मोदी सरकार इस दिशा में अब क्या कदम उठाती है। DB लाइव की रिपोर्ट।